सोचकर भी कैसे लगता है ना, 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन जो हैं वो पंच तत्वों में विलीन हो गई। 100 साल की उम्र, क्योंकि हीराबेन जब 24 साल की थी तो उन्होंने देश को आजाद होते हुए देखा होगा, और चूंकि वो गुजरात की रहने वाली थी तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी ना कभी उन्होंने महात्मा गांधी को अपनी आंखों के सामने देखा होगा, अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखा होगा। हीराबेन देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां थी। मगर यह भी तो सच है कि हमारी माएं हमारी सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती हैं। मगर हां, सबसे बड़ी बात, हमारी मां हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा होती है। हमेशा वो अपने व्यक्तित्व से हमें शिक्षा देती है। ये बात अलग है कि हम में से कई बेटे या कई बेटियां उससे शिक्षा नहीं लेते। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को कुछ इस तरह से याद किया। ये तस्वीर उन्होंने अपनी मां की पेश की है। उनके हाथ में एक थाली है और उस थाली के बीचों बीच एक दिया है, और प्रधानमंत्री ने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शानदार शताब्दी का ईश्वर, चरणों में विराम, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती थी, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। दोस्तों, एक त्रासदी एक ऐसा लम्हा होता है जब कड़वाहट खत्म हो जाती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लम्हे में वो तमाम लोग जो उनके राजनीतिक विरोधी थे आज उनके साथ थे। जी हां, राहुल गांधी ने उनके लिए जो शोक संदेश भेजा वो आपके स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी श्रीमती हीराबा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं, और व्यक्त क्यों ना करेंगे, क्योंकि राहुल के करीब भी उनकी मां बहुत हैं। ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है जहां उन्होंने अपनी मां को जकड़ा हुआ है, फिर वो वीडियो में मैंने देखा था दोस्तों कि किस तरह से वो अपनी मां का इस तरह से गाल खींचते हैं या मुंह इस तरह से पकड़ते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब अपनी मां को खो दिया है तो इस लम्हे को राहुल गांधी समझते हैं, और न सिर्फ राहुल गांधी, नीतीश कुमार ने भी उनके लिए शोक संदेश दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी उनके लिए शोक संदेश दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शोक जतलाया उनके मां के निधन पर। दोस्तों, आज अजय जी द्वारा लिखित एक कविता मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये शायद उस वक्त की कविता थी जब अजय जी ने अपनी मां को गवा दिया था, और मैं ये कविता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को समर्पित करना चाहता हूं। वो जब थी तो कुछ इस तरह से थी जैसे कोई भी बीमार बुढ़िया होती है, शहर के किसी भी घर में अपने दिन गिनती। वो जब थी उससे शहर को और इस घर को नहीं था कोई सरोकार कि अपनी पीड़ाओं और संघर्षों के साथ वो कितनी अकेली थी। कहां शामिल था खुद मैं भी उस तरह से उसके होने में जिस तरह से इस अंतिम यात्रा में हूं। आज जब जा रही है वो तो रो रहा है घर, स्तब्ध है शहर, खड़ा है कोई हाथ जोड़कर और कोई सरक गया है दुकान में मुंह फेर कर। आज जब वो जा रही है, भीड़ ने रास्ता दे दिया है उसे सहम कर, भारी भरकम गाड़ियां गुर्राना छोड़ दो पल के लिए एक तरफ हो गई हैं। चौराहे पर उस वर्दीधारी सिपाही ने भी अदब से सलाम ठोका है। आज जब वो जा रही है तो लगने लगा है सहसा मुझे इस घर को और पूरे शहर को कि वो थी और अब नहीं रही। मां का मुकाम हम सबके जहन में कितना ऊंचा होता है ना दोस्तों। आप जानते हैं मेरी मां मुझसे सिर्फ 20 साल बड़ी हैं,
और हम दोनों का जो रिश्ता है ना, कभी कभार ऐसा लगता है कि बड़ी बहन और छोटे भाई का है। और जब भी मैं अपनी माँ को चिढ़ाता हूँ ना, और उनके उम्र दराज होने पर, बुज़ुर्ग होने पर उन्हें चिढ़ाता हूँ, तो वो मुझे पलट कर कहती हैं, ज़्यादा मत बोल, तू मुझसे सिर्फ 20 साल छोटा है। तो इस तरह की हम दोनों के बीच में जो है प्यार भरी तकरार चलती रहती है। मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी दोस्त भी हैं, मेरी माँ मेरे लिए एक प्रेरणा भी हैं। और जब कोई अपनी माँ को खोता है तो मैं उसके दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे जहन में सेहरन पैदा होती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कभी ना कभी मुझे उस लम्हे का सामना करना पड़ेगा जब मेरी माँ इस ज़िंदगी में नहीं रहेंगी। और सोच के भी सेहरन पैदा होता है कि उस लम्हे का मैं सामना कैसे करूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में 3 महिलाओं का मुकाम बहुत ऊँचा है। सबसे पहली मेरी माँ, फिर मेरी पत्नी और मेरी बेटी। इन 3 महिलाओं का मुकाम बहुत ऊँचा है मेरी ज़िंदगी में, और उनके बिना मैं खुद को अधूरा पाता हूँ। जिस तरह से आप और हम सब खुद को अधूरा पाते हैं अपनी माँ के बगैर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का जाना सिर्फ इसलिए खबर नहीं है क्योंकि वो प्रधानमंत्री की माँ थी, नहीं, आज ये लम्हा है ये बतलाने के लिए हम सबको अपनी माँ को, खासकर उन लोगों को जिनकी माँ अब भी जिंदा हैं, कि उनका मुकाम उनकी जिंदगी में कितना ऊंचा है, उनके बगैर वो कितने अधूरे हैं। हम लोग कई बार अपनी माँ के साथ बदजुबानी भी करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। और हम ऐसा किस लिए करते हैं दोस्तों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हमारी माँ हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी होती है, हमारी माँ हमारी पहली अध्यापिका, पहली टीचर होती है जो हमें शिक्षा देती है। आप और हम आम जीवन में जिन शब्दों का अनुसरण करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब होता है हमारे माँ की शिक्षा का भी। और आप और हम जब कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी माँ की तौहीन करते हैं हम लोग। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हम किसी से लड़ते हैं तो हम में से कई लोग अपने आपा खो के एक दूसरे को माँ की गाली देते हैं, यह अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। इसलिए माँ की अहमियत बेतहाशा है दोस्तों, उसे कभी कम करके मत आकिए। आज का दिन है मौका उन लोगों के लिए जिनकी माएँ जीवित नहीं हैं उन्हें याद करने की, और उन लोगों के लिए जिनकी माँ जीवित हैं और अपनी माँ को शुक्रिया अदा करने की, धन्यवाद देने की कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले कई सालों तक इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में बने रहें। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।